उत्तर प्रदेश जिला बरेली में युवाओं को मिले रोजगार का अधिकार। आपको बताते चलें कि बरेली में आज युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलाने की मांग को लेकर वीर शक्ति युवा सेवा समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से समितीय कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि इस कोरोना महामारी में जहां लोग काम करने अपने शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, सरकार ने बरेली शहर के लिए कई औद्योगिक कार्य कराए हैं, जहाँ फैक्ट्री लगाई हैं उनमें बाहर के युवाओं को काम दिया जा रहा है। शहर के लोग बेरोजगार हैं। समिति का कहना है कि यहाँ के युवाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बरेली शहर के युवाओं को बरेली में ही औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं आजीविका को सही ढंग से चलाया जा सकेगा। समिति के लोगों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह आगे और संघर्ष करेंगे। बरेली सतो गुप्ता की एक रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजा सेठ है, अध्यक्ष हूँ वीर शक्ति संगठन। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि बरेली में औद्योगिक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बरेली के ही युवा और क्षेत्र के लोग बेरोजगार हैं। सरकार से तो सरकारी नौकरी की आस हम भूल ही चुके हैं, लेकिन कम से कम जो प्राइवेटेशन क्षेत्र में हम लोगों का रोजगार अधिकार है उसे तो दिया जाए। सारे बाहरी लोग लगाए जा रहे हैं, क्षेत्र के लोगों को भुखमरी में ढकेला जा रहा है। लॉकडाउन के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर काम करने जा तो नहीं सकता है, क्योंकि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसे अपना रोजगार संचालन करने के लिए इतना बिजनेस भी नहीं है उसके पास, तो वो क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम ढूंढ रहा है, लेकिन क्षेत्र की फैक्ट्री वालों का रुख इतना खराब है कि उनको ना ही रोजगार दे रहे हैं बल्कि उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज किससे ज्ञापन दिया? आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिला प्रशासन जी को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि हमारे इस ज्ञापन पर संज्ञान लें, अन्यथा हमें फैक्ट्रियां घेरने का काम करना पड़ेगा। मेरा नाम दीपक सेठ है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। बेरोजगारों के लिए क्या लड़ा जा रहा है? क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं और ये लोग जब फैक्ट्री में काम करने के लिए मांग करने के लिए जाते हैं तो ये लोग उनको गलत अपर्दा से पेश आते हैं और कहते हैं हम आप लोगों को तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास फुल नौकरियाँ पे जो भी व्यक्ति लगते हैं वो हमारे पास आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब जाँच करवाई लोगों से तो कहते हैं, हमने अंदर के लोगों से बात करी तो वहाँ के क्षेत्रों से बात करी तो कह रहे थे बाहर के लोग जितने भी लेके आ सकते हैं और उनको भी रखा इन्होंने, और कहते हैं हमें लोकल लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही कर्मचारी हैं हमारे पास।